सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड चहन स्टूडेंट, जल्दी से आ जाए बच्चों, फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और एक गुड न्यूज़ आपको देनी थी कि भाई देखो, नेवी SSR और नेवी MIR के न्यू वैकेंसीज आई हुई। नेवी SSR में 1400 पोस्ट हैं और नेवी MIR की अगर हम बात करें 100 पोस्ट हैं। ऑनलाइन मोड में ये वाला एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वो बेसिकली आपको 10 बजे सौरभ सर का सेशन होने वाला है, वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सो फटाफट से मैथ का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ बेटा। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि 18 जनवरी को हमारा क्या बेटा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग अपना जो ऐप है, ऑनलाइन जो ऐप है MKC का, या फिर ऑफलाइन क्लासेस हैं, जिस तरीके से वहाँ पर हम लोग कंटेंट डिलीवर करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। क्लियर है, जो कि यूट्यूब पर कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वो 11:30 पर आपको ऐप पर मिलेगी बेटा, जो MKC का लर्निंग ऐप है वहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस सेशन है 11:30 पर, वो मैं ही लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है, कुछ मैं बता देता हूँ चैप्टर हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। सो इसको ठीक है, तो जो पहला जो चैप्टर हमारा होने वाला है, दैट मुझे बोर्ड पे जाना है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। फिर हम एलजेब्रा की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मतलब इस सेशन के अंदर जो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ट्रिग्नोमेट्री 100% आपका क्वेश्चन आएगा आएगा, तो उसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, वही चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस कहाँ पर कराई जाएगी बच्चों, ऐप पर कराई जाएगी। बस आपको यहाँ पर डेली रूटीन में आना है, और आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करना है, और प्रैक्टिस वहाँ पर कराई जाएगी। आप लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रही बात हर एक चैप्टर की, तो हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे जितना चैप्टर हमको समझ में आ जाए। और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर जो भी बुक के अंदर क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो हमसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, उतना बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बेसिक पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है, जिस बेसिक का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो उस बेसिक पर भी नहीं जाएंगे, पर इतना बेसिक से जरूर स्टार्ट करेंगे चैप्टर आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों, चलो स्टार्ट करें सेशन को, फटाफट से आ जाए, सेशन को शेयर कर दें फटाफट से। और किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है बेटा, बिल्कुल 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 बेटा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के अंदर, तो करीब 15 से 16 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट करता है, बट उसको दो क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। दो क्लासेस ज्वाइन करने का मतलब ये है, एक तो मुझे यूट्यूब पर फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यूट्यूब पर जो क्लास चलेगी 7:45, ये अनवरत चलती रहेगी बेटा, ठीक है ना, ये डेली आपकी क्लास होगी, 7:45 पर आपकी क्लास होगी। एक तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझने हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस यहाँ पर भी मैं आपको करवाऊंगा, और एक मेरा प्रैक्टिस सेशन होगा, स्पेशली प्रैक्टिस सेशन होगा, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिलीवर करूँगा, सेम इसका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है MKC के लर्निंग ऐप पर होने वाला है, ठीक है ना। उसकी टाइमिंग है मेरी 11:30 बेटा, ठीक है ना। इन दो सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, 100% सिलेक्शन बेटा, 100% सिलेक्शन है, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है। बट कंसिस्टेंट तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, बीच बीच में मॉडल पेपर लाते रहेंगे, टेस्ट पेपर लेकर के आते रहेंगे, ठीक है ना, उसमें हम थोड़ा परफॉर्मेंस को भी जज करेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो बच्चों, तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात तथा सर्वसमकाओं की हम लोग बात करते हैं, फटाफट से आ जाएं। और अगर किसी बच्चे को डाउट आता है, तकलीफ आता है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन आप कर दीजिएगा बेटा। नहीं बेटा, ये आपका जो क्लास है दैट इज एक्स ग्रुप का है, ठीक है ना। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आ जाए फटाफट से बेटा, आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। चलो बेटा, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस नोट्स आप प्रॉपर मेंटेन करते हुए चलेगा, तभी आपका रिदम बन पाएगा। ऐसा नहीं कि आप आराम से देख रहे हैं और फिर इसका कंटेंट आपने लिखा नहीं कहीं पर, तो जब कल क्लास होगी या फिर परसों क्लास होगी, फिर आपको तकलीफ आने लग जाएगी, ठीक है ना। और एक काम जरूर कीजिएगा कि जो मैं आज पढ़ाऊँ उसका प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा सही, जो मैं पढ़ाऊँ जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा ना, तो एक बार उसको देख करके जरूर आना क्लास के अंदर, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की बात करें, तो यहां पर जो है आपका कलर हम रेड ले लेते हैं ना। चलिए भाई आ जाए, तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें तो एंगल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ब्लैक लेते हैं यार, ये ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। ट्रिग्नो
मैट्रिक रेशोस एंड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात तथा सर्वसमकाएं। बायलैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा तो कोई दिक्कत वाली यहां पर बात ऐसी है नहीं बच्चों। बिल्कुल 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 बेटा, चलिए आ जाए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से। सो बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे एंगल आता है बेटा। अगेन मैंने आपको अभी एक बात एक्सप्लेन की है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बट उतनी बेसिक से स्टार्ट करूंगा जितनी बेसिक से आपको चैप्टर समझ में आ जाए। उस बेसिक की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा जिसका कि कोई ज़्यादा लेने देना है नहीं। जैसे हम 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर उसको पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उतना भी बेसिक से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारा मेन पर्पज है कि हमारा जो 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उसको हमको क्रैक करना एनी हाउ एनी केस। चलो तो अब बात करते हैं एंगल की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? एंगल की बात करते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट होती है बेटा। एक तो होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो डिग्री होती है बेटा। क्या होती है आपकी? डिग्री होती है, ठीक है ना। और एक क्या होता है बच्चों? आपका रेडियन होता है बेटा। क्या होता है आपका? रेडियन होता है, ठीक है। एक डिग्री होती है और एक क्या होता है बच्चों? आपका रेडियन होता है। डिग्री को किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसका कोई इतना सेंस बनता नहीं है। रेडियन को भी किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसका भी कोई इतना सेंस नहीं बनता है। मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लेते हैं कि अगर हम डिग्री की बात करते हैं बेटा, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट लगा देते हैं कि अगर कोई एंगल थीटा है तो नॉट अगर लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि एंगल आपका डिग्री के अंदर है। और अगर एंगल के ऊपर कुछ इस टाइप से लगा देता हूं, सी लगा देता हूं, तो इसका मतलब एंगल किसके अंदर है बच्चों? आपका रेडियन के अंदर है बेटा। किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है। या तो एंगल के ऊपर सी लगा देता हूं या फिर एंगल के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं, ना तो मैं नॉट लगाता हूं और ना ही मैं ये सी लगाता हूं, तो इसका मतलब आपका एंगल जो है बाय डिफॉल्ट रेडियन में माना जाता है। क्या माना जाता है? रेडियन में। जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटा कुछ इस तरीके से लिखा, साइन टू लिखा, तो यहां पर एक तो इस तरीके से लिखूं साइन टू, तो इसका मतलब ये टू जो है बेटा, ये जो एंगल है ये किसके अंदर है बच्चों? आपका रेडियन के अंदर है बेटा। किसके अंदर है? रेडियन के अंदर है। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है बच्चों कि अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बेटा नहीं नहीं प्रैक्टिस सेशन का तो इतना कोई खास है नहीं, आपको एक काम करो कॉल करके आप पूछ सकते हैं बेटा वहां पर, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल कंटेंट उसी लेवल का होगा बेटा, नक्टा, हाँ ठीक है बेटा, उसी लेवल का होगा, राइट। बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, एक बार बात करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं बच्चों, डिग्री कितना इसमें मेजर किया जाता है, आपका रेडियन की बात करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब कन्वर्जन की बात करते हैं कि अगर आपका एंगल डिग्री के अंदर है, किसके अंदर बच्चों? आपका एंगल डिग्री के अंदर है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, किसमें कन्वर्ट करना है आपका? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका एंगल किसके अंदर होता है? आपका डिग्री के अंदर होता है, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो उस एंगल को आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मेरे पास क्या बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मेरे पास है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस 30 डिग्री को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा पाई बाई 6, यानी कि जो 30 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? आपका पाई बाई 6 के इक्वल होगा। क्लियर है सब बच्चों को? चलो बेटा, और अगर एंगल आपका रेडियन के अंदर है और इसको कन्वर्ट करना किसके अंदर बच्चों? डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उस केस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? आपका 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए सर हिंदी मतलब, बिल्कुल हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। हिंदी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको त्रिकोणमितीय अनुपात तथा सर्वसमकाएं बोलते हैं बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात तथा सर्वसमकाएं बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल है ये वाला बैच, ठीक है ना। लेते क्यों नहीं लेते हैं भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। चलो ओम पंडित आ जाओ भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हमको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो क्या करेंगे? उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से अगर कोई एंगल में आपको रेडियन में देता हूँ, जैसे मैंने दिया आप लोगों को दिया बेटा कितना आपका 2π/5 दिया बेटा। क्या दिया मैंने? 2π/5। और 2π/5 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो मैं क्या करूँगा? 2π/5 को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 180 अपॉन पाई से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 5
से कितनी बार जाएगा बच्चों, ये 36 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका 72 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यही समझा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि एंगल को मेजर हमको करना है तो वो डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं। सिलेबस के अंदर डिग्री और रेडियन ही है हमारे, एक ग्रेड और होता है बेटा, क्या होता है ग्रेड। ग्रेड में भी हम लोग क्या करते हैं एंगल को मेजर करते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। डिग्री की अगर हम बात करें तो कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टेप से होता है, रेडियन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन आपका इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि डिग्री अगर एंगल आपका डिग्री के अंदर है और उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो डिग्री के अंदर है रेडियन, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर एंगल आपका रेडियन में है और उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे इस चैप्टर का हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इसका पॉइंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए 7 कर 6 कर देते हैं, मेरे साथ मोर देन सफिशियंट होगा। आ जाइए फटाफट से, जैसे मान लीजिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एंगल दिया हुआ बच्चों कितना 3π/5 रेडियन विल बी इन डिग्री, ठीक है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, जो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि एंगल क्या बच्चों आपका 3π/5 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 3π/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 36, और 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 108 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा आपका 108। तो सिर्फ अभी मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि डिग्री को रेडियन में किस तरीके से बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से बदला जाता है। यहां पर आपका क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन है बच्चों, यहां पर आपका हिंदी में गिवन है, यानी कि 3π/5 रेडियन जो है किस में कन्वर्ट करना है आपको, अंश में बदलना है, तो ये इस तरीके से। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बेटा, जो मैं आपको पीपीटी लेकर के आया हूं। बिल्कुल बेटा, सी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 108 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एस के, बिल्कुल बेटा गुर्जर, सतीश यादव, बिल्कुल विकास कुमार, यस, ओके ओके, बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास मिलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बेटा आ जाए फटाफट से, बिल्कुल आ जाइए बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाइए फटाफट। अच्छा, यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक सेकंड कुछ कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं फटाफट से। आ जाए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री इन रेडियन विल बी, ठीक है ना, 150 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 150 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, हम लोग 180 अपॉन पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 150 को मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चों, आप लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से जीरो चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो फटाफट से आंसर करें, कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, 5π/6 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका, 5π/6। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5π/6। बिल्कुल सबका आंसर बहुत ही बढ़िया, शाबाश। गोलू यादव, प्रियतम कुमार, मलक देव, अंकित सिंह, शांतनु, बिल्कुल बेटा। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंगल, यहाँ पर सतीश यादव, विकास कुमार, बिल्कुल ठीक बेटा, सही आंसर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स मैं लिखाने वाला हूँ, जिनको कि आपको बेसिकली याद होना चाहिए किसके अंदर बच्चों, आपको याद होना चाहिए किसके अंदर,
आपको रेडियन में उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम बात करते हैं 30 डिग्री की बात करते हैं, 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है बच्चों किसकी, पाई बाई सिक्स रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंगल बताने वाला हूँ जिनको आपको रेडियन में भी याद रखना है और डिग्री में। डिग्री में आप पहले से सहज महसूस करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको रेडियन में भी याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला साइन पाई बाई सिक्स कितना होगा, साइन पाई बाई थ्री कितना होगा, साइन पाई बाई फोर कितना होगा, साइन थ्री पाई बाई फोर कितना होगा। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि थ्री पाई बाई फोर है क्या, आपको ये तो पता होना चाहिए कि पाई बाई फोर है क्या, पाई बाई सिक्स क्या है, पाई बाई थ्री क्या है, पाई बाई टू क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी सपोज करो मैं डिग्री में बात कर देता हूँ, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, इसको आप समझ लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ करके आए हुए हो। अब आपको थोड़ा सा रेडियन में भी सहज होना पड़ेगा, तो इन एंगल्स को आप डायरेक्टली याद रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको 30 डिग्री को रेडियन लिखना है, ठीक है ना, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करोगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली याद ही कर लेना, ठीक है, इससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। चलो बच्चों 30 डिग्री को लिखते हैं बेटा पाई बाई सिक्स बोलते हैं। अगर हम 45 डिग्री की बात करते हैं बच्चों, पाई बाई 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री मेरे पैर बच्चों बराबर होता है कितना, पाई बाई फोर के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों, आपका पाई बाई थ्री के इक्वल होता है। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों, आपका पाई बाई टू के इक्वल होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से किसकी बच्चों, 120 डिग्री की बात करता हूँ तो 120 डिग्री बराबर होता है बेटा किसके, आपके टू पाई बाई थ्री के इक्वल होता है। वहीं अगर मैं 135 डिग्री की बात करता हूँ तो 135 डिग्री बराबर होता है बच्चों किसके, थ्री पाई बाई फोर के इक्वल होता है बेटा। और अगर मैं 150 डिग्री की बात करता हूँ तो 150 डिग्री कितना होता है बच्चों, आपका ये बराबर होता है कितना, आपका 5 पाई बाई सिक्स के इक्वल होता है बेटा, 5 पाई बाई सिक्स। और 180 डिग्री जो होता है बेटा ये बराबर होता है किसके बच्चों, आपका पाई के बराबर होता है। 270 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों, आपका 3 पाई बाई टू के इक्वल होता है बेटा। और अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की बात करते हैं तो 360 डिग्री जो है बेटा किसके इक्वल होता है, आपका 2 पाई के इक्वल होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक एंगल है जिनका आपको रेडियन में डायरेक्टली पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 पाई बाई 4 तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, 135 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला कि 5 पाई बाई 6 तो सर किसकी बात कर रहे हैं, 150 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला 2 पाई बाई 3 किसकी बात कर रहे हैं, 120 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक एंगल हैं बच्चों जो आपको डायरेक्टली लर्न होने चाहिए, रेडियन में भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात नहीं हुआ। चलो बच्चों इनको आप फटाफट से याद कर ले, फटाफट से, और लिख ले कहीं ना कहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, आपको जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, नोट डाल के लिखिएगा कि जो आर्क लेंथ होती है यानी कि जो चाप की लंबाई होती है, और चाप की लंबाई होती है और जो सर्कल है वृत्त में जो त्रिज्या होती है और जो एंगल सबटेंड करता है, एंगल जो बनाता है, उसमें क्या रिलेशन होता है। यानी कि नोट डाल के इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आर्क है, एक चाप है, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया ए, वो केंद्र हो गया आपका, यहाँ पर आपका ए हो गया बेटा, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है ना। ये आपकी आर्क है, ये चाप है, ठीक है ना। ये चाप जो है केंद्र पर जो कोण बना रही है, दैट इज थीटा डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। और इस आर्क की जो लेंथ है मैं कितने मान लेता हूँ बेटा, एल के बराबर मान लेता हूँ बच्चों। किसके कुल मान लेता हूँ बच्चों, एल के बराबर मान लेता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो, और रेडियस कितना बच्चों इस वृत्त का, कितना है, आर के बराबर है। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, रेडियस है, और जो एंगल है, वो बेसिकली इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका, एल इक्वल टू आर थीटा होता है बेटा। क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है मेरे पैर बच्चों, आर थीटा होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर थीटा जो होता है बेटा किसके अंदर होता है आपका, रेडियन के अंदर होता है बेटा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है वो किसके अंदर होता है बच्चों, आपका रेडियन के अंदर होता है बेटा। किसके अंदर होता है आपका, रेडियन के अंदर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए राइट, ठीक है ना। एंगल आर का पॉन थीटा, बिल्कुल एस के गुर्जर बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो थीटा इक्वल, थीटा किस में होगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये रेडियन में होता है बेटा। यहाँ पर किस में होता है, रेडियन में। अगर आपको थीटा रेडियन में गिवन नहीं है तो उसको पहले रेडियन में बदलो और फिर ये वाला फॉर्मूला आप लोग क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से आ जाए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या हुआ, हम्म,
एक सेकंड गैस, ये आ गया। चलिए आ जाए फटाफट से क्वेश्चन नंबर तीन को ध्यान से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एंगल मेजरिंग 15 डिग्री दिया बेटा, कितना दिया 15 डिग्री यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है ना। कि एक सर्कल एक वृत्त आपको है हिंदी में, दूसरी साइड में लिखा हुआ है हिंदी में, यदि किसी चाप द्वारा बना कोण 15 डिग्री है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए बेटा, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई हमको बतानी है बेटा, यहाँ पर त्रिज्या आपको पता है और त्रिज्या पता होने के साथ साथ चाप जो है केंद्र पर कितना कोण बना रहा है वो भी आपको पता है, आपको सिर्फ चाप की लंबाई बतानी बेटा। क्या बतानी, चाप की लंबाई, यानी कि आपको जो बताना है बेटा लेंथ ऑफ आर्क बताना है। क्या बताना है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, सतपाल ने इसका आंसर किया सी किया है, ठीक है ना, हमन भारती ने भी इसका आंसर सी किया। चलो देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा। चले ये 15 डिग्री है बेटा, कितना है 15 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर आर है, रेडियस आर के बराबर मान लेते हैं, एंगल कितना बच्चों यहाँ पर 15 डिग्री के बराबर है बेटा, ठीक है ना। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा एल मान लेते, ये हमको निकालना है बेटा, ठीक है ना। चलो बच्चों, और आर किसके इक्वल है बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर के इक्वल है बेटा, किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपका आर थीटा होता है, एल इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपका आर थीटा होता है, आर कितना बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर है, थीटा कितना बच्चों आपका 15 डिग्री बेटा, कितना 15 डिग्री। पहले एक काम करो, इस 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, इसको कन्वर्ट कर लो बेटा रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 15 और 15 पाई बाई 12 आएगा बेटा, कितना आएगा आपका पाई बाई 12। तो रेडियन में कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये पाई बाई 12 के बराबर आ जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई बाई 12, ठीक है, ये आपका पाई बाई 12 हो गया। तो यहाँ पर आप पाई बाई 12 पुट कर दें, तो जैसे आपने इसको पाई बाई 12 पुट किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 5 पाई बाई 12 आएगा बेटा, कितना आएगा आपका 5 पाई बाई 12 आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा बच्चों 5 पाई बाई 12। यानी कि जो आपकी आर्क होगी उसकी जो लेंथ होगी यानी कि जो चाप की लंबाई होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों आपकी 5 पाई बाई 12 के इक्वल होगी बच्चों, किसके इक्वल 5 पाई बाई 12। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो जिन जिन का ऑप्शन ए आया है, ठीक है ना, बिल्कुल, अज्जू कुमार, मलिक देव, गोलू यादव, रोशन कुमार, मन प्रकाश, बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल ए आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, धीरे धीरे लेवल को मैं ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ चुका होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, और मेरे हिसाब से उम्मीद है किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा भी नहीं, अगर डाउट है तो मुझे बताइएगा बेटा। प्रियतम कुमार बिल्कुल सही, राजमोहन सिंह एकदम बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। शांतनु बिल्कुल 5 पावर 12, आशुतोष पांडे बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। चले बिल्कुल, क्लास का शेड्यूल यही है बेटा, आपकी जो मेरी मैथ की क्लास होगी 7:45 पर डेली होगी, जो कंटेंट यहाँ पर मैं डिलीवर करूँगा वो कंटेंट की प्रैक्टिस मैं ऐप पर करूँगा, यानी कि 11:30 MKC लर्निंग ऐप पर आप लोग आ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक से मैं चैप्टर को, हर एक चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करूँगा, उतना बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि चैप्टर हमारी समझ में आ जाए और जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर वो हमसे क्या हो जाए बेटा, सॉल्व हो जाए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अब बात करते हैं मेरे प्यार जो कॉम्प्लीमेंट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, यानी कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। अब थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझिएगा बेटा, बहुत सारे लोग इसमें फंसे रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है, यानी कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। और नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट किया है, अगर कोई बच्चा अभी से स्टार्ट किया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि 15 से 16 क्वेश्चन वो 100% अटैम्प्ट करके आएगा 17 से 18 जनवरी। एक तो मेरे दोनों सेशन अटैम्प्ट करेगा, दोनों सेशन अटैम्प्ट करने के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज वगैरह है जो मैं बताऊँगा आपको वो आपको ज्वाइन करना है, क्लियर। और जो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको कराए जाएंगे उन मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है, 100% 15 से 16 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे अगर अभी से स्टार्ट कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। नहीं बेटा ये एक्स ग्रुप के लिए है, ठीक है ना बेटा, सरल।
ये बेटा एक्स ग्रुप के लिए है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? आ जाए बेटा, तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि सर पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं जो 90 डिग्री पर या फिर 90 के ऑड मल्टीपल पर, यानी कि विषम गुणांक पर, जैसे 90 हो गया, 270 हो गया, इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा की, अगर हम बात करें बेटा तो साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, आपका साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका साइन थीटा होता है बेटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 90 डिग्री पर यानी कि पाई बाई 2 पर या फिर इसके ऑड मल्टीपल पर, 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इनके ऑड मल्टीपल पर क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा जो है साइन थीटा में चेंज होगा। अब सर ये चेंज होंगे कैसे ये तो बताइए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम इनकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो साइन थीटा किस में चेंज होगा बेटा, आपका कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। अगर बात करता हूं बेटा टेन थीटा की, बात करें बेटा टेन थीटा किस में चेंज होगा बेटा, आपका कॉस थीटा में चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा आपका, टेन थीटा में चेंज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब sec थीटा की अगर हम बात करते हैं बेटा, sec थीटा किस में चेंज होगा आपका, cosec थीटा में चेंज होगा, और cosec थीटा जो होगा मेरे प्यार बच्चों किस में होगा आपका, sec थीटा में चेंज होगा। यानी कि 90 डिग्री पर या 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर sin थीटा cos थीटा में जाएगा, cos थीटा sin थीटा में जाएगा, tan थीटा cot थीटा में जाएगा, cot थीटा tan थीटा में जाएगा, sec थीटा cosec थीटा में जाएगा, cosec थीटा sec थीटा में जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? इससे मेरा मतलब क्या है बेटा, इससे मतलब इतना सा है कि अगर बच्चों में इस तरीके से लिखता हूं, किस तरीके से आपके सामने, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको पता होगा, ठीक है ना, आपको पता होगा इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहां पर आपका जीरो आता है बेटा, ठीक है ना, यहां पर आपका होता है बेटा कितना, पाई बाई टू आता है, 90 डिग्री आता है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पाई 180 डिग्री आता है, यहां पर कितना आता है बच्चों आपका 3 पाई बाई टू यानी कि 270 डिग्री आता है बेटा, और यहां पर आता है 360 आता है बेटा, कितना आता है 360। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका एंगल का, इस तरीके से यहां पर मेजरमेंट होता है, मापन होता है, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, इसके साथ साथ ध्यान का रखना है कि जो अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, क्या है आपका एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बच्चों आपका, पॉजिटिव होता है बेटा। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बिल्कुल कॉसेक होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 90-270 पर चेंज होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से कहूं आपसे एक बात कि भाई जो एंगल होता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर हम करते हैं, कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये एंगल कैसा होता है बेटा आपका, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है बेटा। यहाँ पर कैसा होता है आपका? पॉजिटिव। अगर एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज करते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये मेजरमेंट कैसा होगा बेटा आपका? नेगेटिव होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर मैं थीटा डिग्री इधर घूमता हूँ, किधर घूमता हूँ, इधर, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे घूमता हूँ, कैसे घूमता हूँ, तो एंगल का मेजरमेंट होगा आपका पॉजिटिव, यानी कैसा होगा आपका? धनात्मक होगा बेटा। और अगर मैं ऐसे घूमता हूँ, किस तरीके से, इस तरीके से घूमता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं एंगल इधर लेता हूँ ऐसे, तो ये होगा बेटा माइनस थीटा होगा बेटा, नेगेटिव होगा आपका। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो इस तरीके से जो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा, उस केस में एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें तो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका? नेगेटिव मेजरमेंट होगा बेटा। कैसा होगा आपका? नेगेटिव मेजरमेंट होगा। चलिए आ जाए फटाफट से, ठीक है ना, आ जाए। तो अगर हम बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा बच्चों आपका? पॉजिटिव मेजरमेंट होगा। क्लॉकवाइज कैसा होगा बच्चों आपका? नेगेटिव मेजरमेंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो हो गया, पाई बाई टू हो गया, पाई हो गया, थ्री पाई बाई टू हो गया, और 360 डिग्री हो गया। आपको पता होगा बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे कैसे होते हैं बेटा? ऑल पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, चाहे मैं साइन की बात करूँ, कॉस की बात करता हूँ, ठीक है ना, टेन की बात करूँ, कॉट की बात करूँ, या सेक या कॉसेक, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें बेटा, साइन और कॉसेक ही मेरे प्यार
बच्चों क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं इसमें, नेगेटिव होते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा आपका, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बेटा। क्या होते हैं, टैन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ बच्चों तो कॉस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनका साइन मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से बता दिया है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मुझे बताएं भाई, ठीक है ना। चलो, अभी मैंने आपको बताया है कि भाई नेवी एसएसआर की वैकेंसीज आ चुकी हैं और नेवी एमआर की वैकेंसी आ चुकी हैं। नेवी एसएसआर की अगर हम बात करें तो 1400 पोस्ट है, 1400, ठीक है ना, 1400। और नेवी एमआर की बात करते हैं तो 100 पोस्ट हैं और ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका। और इसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, तो इसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। सौरभ सर लाइव आएंगे तो आप जुड़िएगा उसमें, तो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। ये लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया साइन कॉस एक पॉजिटिव हो गया, टेन कॉट पॉजिटिव हो गया, कॉस एक यहाँ पर पॉजिटिव आपका हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ये नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लो फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा, किस तरीके से लिखा बच्चों, मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा बेटा। क्या लिखा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है ना। और ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, कहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर बच्चों यहाँ पर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है, क्या आता है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है। ऑड मल्टीपल का मतलब विषम गुणांक, ठीक है ना। पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका विषम गुणांक होता है, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल अगर आता है, विषम गुणांक अगर आता है यहाँ पर आपका, तो उस केस में क्या होता है बच्चों आपका, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है बेटा। किसमें चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। अभी इसी बात को मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। अगर बच्चों यहाँ पर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है, जैसे पाई बाई टू आ गया, ठीक है ना, 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, 7π/2 होगा। पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आपको देखना बेटा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पर ही चेंज होगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अपने किस में चेंज होगा, अपने पूरक में चेंज होगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आना जरूरी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सारे बच्चे, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, आपका पाई बाई टू आ रहा है, ठीक है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, आपका कॉस थीटा होता है बेटा। क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब आपको ये चेक करना है कि पाई बाई टू प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो पाई बाई टू प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर जीरो होता है बेटा, यहाँ पर पाई बाई टू होता है आपका, यहाँ पर आपका पाई होता है बच्चों। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना होता है बच्चों, आपका 3π/2 होता है बेटा, और यहाँ पर कितना होता है बच्चों, आपका 2π होता है, ठीक है ना। तो पाई बाई टू प्लस थीटा जो बेटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। पाई बाई टू प्लस थीटा, प्लस थीटा करेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है आपको, ठीक है ना। तो पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको इसका साइन देखना है, किसका, इसका साइन देखना है, ठीक है ना, कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो साइन की अगर हम बात करें बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। क्या रहेगा आपका, ये पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता साइन 3π/2 प्लस थीटा बेटा, क्या बोलता, साइन 3π/2 प्लस थीटा। एक बात अच्छे से समझ लेना बच्चों, एक बात आप लोग अच्छे से समझ लेना कि यहां पर आपका पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आना चाहिए बेटा। ऑड मल्टीपल आएगा तभी ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपका, कॉस होता है। तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में। बट जाएगा कब, जब वहां पर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आएगा बेटा। क्या आएगा, ऑड मल्टीपल, विषम गुणांक होगा, पाई बाई टू, 3π/2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 5π/2, 7π/2, इस प्रकार से। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आ रहा है बेटा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आ रहा है। अगर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आएगा तो साइन किस में जाएगा बच्चों, आपका कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा बच्चों। किस में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा, क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है बेटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है बेटा, कि पहले यह चेक करना है कि 3π/2 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में बेटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा है। इसके, इसको चेक नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, हम इसको चेक करते हैं इधर वाले को, ठीक है। तो 3π/2 प्लस थीटा, यहां पर आपका 3π/2 हो गया, प्लस थीटा करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे बच्चों, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे बेटा। किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा।
तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यहां पर अगर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आता है बेटा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल यानी कि पाई बाई टू का विषम गुणांक अगर आता है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां पर आपका आंसर खत्म नहीं होता है। अब आंसर कब खत्म होगा बेटा, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर आपका ये नेगेटिव होगा। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि ये वाला एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। बच्चे गलती यहां पर क्या करते हैं, जनरली बच्चे इसका साइन देखते हैं, इधर वाले का साइन देखते हैं। आपको इधर वाले का साइन नहीं देखना, आपको उसी का साइन देखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं बेटा। जैसे मैंने बोला बेटा, क्या बोला, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बेटा क्या बोला, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। पहले तो यहां पर चेक करना है आपको, यहां पर कि यहां पर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल। अगर यहां पर ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है, विषम गुणांक। अगर पाई बाई 2 का विषम गुणांक है बेटा, अगर पाई बाई 2 का विषम गुणांक है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, आपका कॉट होता है बेटा। क्या होता है आपका, कॉट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किस में जाएगा बच्चों, आपका यहां पर बन जाएगा कॉट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है मेरे प्यार बच्चों किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा। किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसलिए बच्चों क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट टेन कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, बता दे बेटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? क्लियर हुआ? रमेश, राजमोहन, कन्हैया कुमार, गोलू यादव, रोशन कुमार। सर थीटा की रेंज क्या होगी? थीटा बेटा आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये जो थीटा है बेटा, अगर मैं इस थीटा की बात करता हूँ, ये थीटा जो है बेटा ये 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखें, ये थीटा जो है किसके बीच में होना चाहिए आपका, 0 से 90 के बीच में आपका ये थीटा होना चाहिए। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, 0 से 90 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस कॉट होगा राजमोहन बेटा। क्या होगा, माइनस कॉट होगा। अब सुनो मेरी बात को, अब जरा सुने ध्यान से, इधर आ जाएं सारे बच्चे। अगर मैं ऐसे कहता हूँ, कैसे ऐसे कहा, अच्छा फटाफट से इसका आंसर कर दो भाई। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा बेटा, क्या है, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है ना। इसका आंसर करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, पाई बाई टू आ रहा है बेटा, पाई बाई टू आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर पाई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। अगर पाई बाई टू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पाई बाई टू आ रहा है या फिर पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल आ रहा है, कुछ पाई बाई टू टाइप नजर आ रहा है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका साइन होता है बेटा। क्या होता है, साइन। तो कॉस किस में चला जाएगा, साइन थीटा में चला जाएगा। अब या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा। या तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा या फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा। वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि पाई बाई टू प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है। तो पाई बाई टू कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर। पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बताइए फटाफट से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, नेगेटिव होता है बेटा। क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपके सबको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल, विकास कुमार, कौशलेंद्र कुमार, रमेश, राजमोहन, सतनाम, बिल्कुल आई एफ सिद्धार्थ यादव, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। टा माइनस होगा मेरे हिसाब से, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से। धीरे धीरे बहुत अच्छे से बिल्डअप कर दूंगा इस चैप्टर को मैं, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो इधर आप। अब मैंने बोला क्या बोला, मैंने बोला साइन पाई प्लस थीटा बोला बेटा, पाई प्लस थीटा। क्या बोला, पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ी सी छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, पाई की बात करता हूँ, टू पाई की बात करता हूँ, थ्री पाई की बात करता हूँ। यहाँ पर पाई बाई टू नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं पाई बाई टू आपसे नहीं बोल रहा हूँ। जब अगर मैं पाई बाई टू आपसे नहीं बोलता हूँ बेटा, तो वो जो एंगल है ना, वो एंगल आपका क्या है, पाई बाई टू का कैसा बच्चों, आपका इवन मल्टीपल होता है बेटा। पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, सेवन पाई, ये सारे के सारे क्या हैं, पाई बाई टू के इवन मल्टीपल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, पाई बाई टू के इवन मल्टीपल। और जब पाई बाई टू का इवन मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ पर है वही वहाँ पर जाकर क्या होता है बच्चों का, कॉपी होता है बेटा। इस चीज़ का जो ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने अभी बोला कि बेटा पाई बोला बच्चों, क्या बोला, टू पाई बोला बच्चों, थ्री पाई बोला बेटा, फोर पाई बोला, फाइव पाई बोला।
यहां पर क्या मैं पाई बाई टू बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा बेटा, पाई बाई टू अगर नहीं बोल रहा हूं, सिंपली पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, यानी कि पाई के सारे मल्टीपल इवन हो चाहे और, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं? पाई बाई टू के और मल्टीपल, पाई बाई टू के इवन मल्टीपल होते हैं, पाई बाई टू के विषम गुणांक होते हैं। बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। पाई बाई टू के सम गुणांक होते हैं, सॉरी पाई बाई टू के सम गुणांक होते हैं आपके, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं सारे बच्चे। अब यहां पर देखो बेटा, पाई बाई टू आपको तो ये देखना है, पाई बाई टू आ रहा क्या? सर यहां पर पाई बाई टू नहीं आ रहा, पाई बाई टू नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है बेटा, क्या आपका इवन मल्टीपल। बात समझ में, पाई बाई टू की बात करो, पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा बेटा। अगर यहां पर साइन है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी आपका साइन ही रहेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चेंज नहीं करेगा। हाँ, अब या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि पाई प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है। कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, साइन डिसाइड करने का कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपका पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है। ध्यान रखिएगा यहां पर एक बात और, कि थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 से 90 के बीच होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यून कोण, एक्यूट एंगल होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बेटा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा। क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों साइन कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? बिल्कुल गोलू यादव बेटा, डेविड बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। आइए बेटा, ये बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है बेटा, जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों के, किस चीज़ समझाते हैं। कुछ बच्चों को चीज़ें आती हैं, कुछ बच्चों को नहीं आती, तो सबको फिर वो आ जाती है पढ़ाने के बाद में, ठीक है। अब एक काम करो फटाफट से भाई, देखो टाइम तो खत्म होने वाला है, बट एक काम कर दो जल्दी से बेटा, जल्दी से आप टेन क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं मैंने बोला आप लोगों से, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को और डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। टेन मैंने बोला टू पाई माइनस थीटा बोला, क्या बोला? टेन टू पाई माइनस थीटा बोला, और मैंने बोला कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा बोला, ठीक है ना, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा बोला। फटाफट से इसका आंसर करें, टेन टू पाई माइनस थीटा बेटा, जल्दी फटाफट, जल्दी 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 से बेटा। और 8:30 पर आपकी रीजनिंग की क्लास है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट लग जाओ एग्जाम की तैयारी में बेटा, एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, बट लग जाओ अच्छे से, और मेजर कैसे की इस प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी करते रहें। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखें, थ्योरी सीखें, यहाँ पर थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम किस पर आना आते हैं बेटा? जो MKC का लर्निंग ऐप है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मैं डेली 7:45 पर आऊँगा, यहाँ पर थ्योरी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। थ्योरी और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा, और इस चीज़ की प्रैक्टिस मैं कहाँ पर कराऊँगा बेटा? MKC के लर्निंग ऐप पर, वो भी 11:30 बजे। तो 11:30 बजे मिलिएगा मुझसे कहाँ पर? MKC के लर्निंग ऐप पर, और 7:45 सुबह कहाँ पर मिलेगा? YouTube चैनल पर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और 8:30 को अभी रीजनिंग की क्लास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ भाई, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। तो आंसर यहाँ पर आ चुका है बेटा, कन्हैया कुमार ने इसका आंसर किया, बहुत ही बढ़िया, रमेश, ठीक है ना, सतनाम, प्रियतम कुमार, गोलू यादव, ट्रिकी अंशु, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होगा बेटा? आपका 2π, यहाँ पर पाई बाई टू कैसा बच्चों? आपका पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है बेटा, यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा क्या? नहीं आ रहा, मतलब पाई बाई टू क्या है? इवन मल्टीपल है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, यहाँ पर टेन का टेन ही रहेगा बेटा। और 2π माइनस थीटा बेटा, 2π यहाँ पर है, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और टेन फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है आपका? नेगेटिव होता है बेटा, माइनस टेन थीटा, बिल्कुल सब बच्चों का सही था बेटा, सब बच्चों का सही था। अब यहाँ पर क्या है? कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, इसलिए अपने किस में चला जाएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि टेन थीटा में चला जाएगा। और पाई बाई टू प्लस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, दोनों ही माइनस टेन थीटा होंगे। सारे बच्चों के सवाल एकदम सही थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, क्लियर है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अब मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, धीरे धीरे इस लेवल को अच्छे से बढ़ाता चलूंगा। और ध्यान रखिएगा 7:45 पर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपको पढ़ाना आऊँगा थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, एंड 11:30 पर जरूर मेरे साथ प्रैक्टिस करने आइएगा। किस पर? MKC के लर्निंग ऐप पर, जो मैंने पढ़ाया है इस पर भी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप इन दोनों सेशन को ज्वाइन कर लीजिए बेटा। मैं